हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करती हूँ आप सब ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ भी कुछ बातें शेयर करूँ। स्पेशली मेरे जैसे जो लोग हैं जो लोनली फील करते हैं और जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए शायद ये मेरा वीडियो कुछ मददगार साबित हो। तो दोस्तों ये बात बहुत पहले की है, उस टाइम में कोई जानता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है और एंग्जाइटी क्या होती है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, नहीं जानते। 90s की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम में मैं स्कूल में थी, मेरे को फर्स्ट जो सिम्टम आया था वो था, फेंट हो गई थी मैं स्कूल में, और मैं क्लास 5 में थी, हार्डली 9 साल की थी मैं। और अचानक से स्कूल छुट्टी हुआ और मैं स्कूल से बाहर आ रही थी, तो बाहर आते ही गेट तक पहुंची ही कि मैं फेंट हो गई। मेरा तबीयत थोड़ा लग रहा था अजीब सा, लेकिन आपको पता ही है बच्चे, हम जब बच्चे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये बेहोश होने से पहले जो तबीयत थोड़ा ख़राब लगता है वो था। मैंने सोचा यार मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत अलग सा फील कर रही हूँ, बताना भी नहीं जानती, बच्चे रहते आप उस टाइम। तो जैसे ही स्कूल के गेट तक मैं आई, मैं वहाँ फेंट हो गई, और फेंट होने के बाद जैसे ही बेहोश हो गई तो सब लोग मुझे उठा के लेके गए, फिर कुछ कुछ पानी जूस वगैरह पीने को दिया। वो सब मुझे उतना याद नहीं, पर मैं जब होश में आई तब मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे छीले हुए थे और यहाँ पे भी चोट लगा हुआ था मुझे। तो सब लोग कुछ टीचर मिलके मुझे घर छोड़ने आए थे, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी वरीड हो गए कि कैसे बच्चा फेंट हो गया स्कूल में। तब पापा डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने बोला होता है कभी कभी ऐसा, बच्चे फेंट हो जाते हैं गर्मी में, या फिर ग्लूकोज अगर कम हो जाए तो फेंट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने उस चीज़ को बस नॉर्मल एक डॉक्टर का चेकअप करवा के उतना सोचा नहीं। फिर 6-7 महीने बाद फिर से ऐसा हुआ कि फिर से मैं फेंट हो गई स्कूल में, और फेंट होने के बाद उस टाइम भी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा ऐसे ही कुछ विटामिन्स वगैरह लिख के दिया और कहा कि होता है ऐसा, कोई बात नहीं। क्योंकि कभी असेंबली हॉल में प्रेयर के दौरान मेरे दूसरे दोस्त भी फेंट हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही फेंट हुई हूँ, वो भी बेहोश हुए हैं कभी कभी, लेकिन उनमें और मेरे में मुझे धीरे धीरे फ़र्क समझ में आने लग गया कि वो जो फेंट होते थे ना तो वो रिकवर कर जाते थे, पर मेरा ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था एपिसोड। तो फिर धीरे धीरे मुझे सेकंड सिम्टम डेवलप हुआ, जैसे मैं थोड़ी और बड़ी हुई, क्लास 6-7 में होंगी मैं तब। उस टाइम क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। बिस्तर में लेट के अगर मैं उठती थी तो पूरा स्पिन करता है, जैसे घूम रहा है, पूरा घर घूम रहा है, ऐसा मुझे चक्कर आता था। और मैं जब भी कोई ज़ोर वाला आवाज़ सुनती थी तो मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आता था, और कान में भी ऐसा बंद होने का, खुलने का, बंद होने का, खुलने का, ऐसा फीलिंग्स होता था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, फिर दिखाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मेरे एरिया का कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा हम लोगों ने कि जिसको हम लोगों ने नहीं दिखाया। मेरे पेरेंट्स ने आयुर्वेदिक से लेके, एलोपैथी से लेके, होम्योपैथी से लेके, गाइनोकोलोजिस्ट से लेके, कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि जो भी डॉक्टर, जो भी कोई रिकमेंड करता था, आँखों के, ब्रेन के, हार्ट के, सब कुछ डॉक्टर को दिखाया। उस टाइम के बाद बोल रही हूँ जब मैं 6-7 में थी, मीन्स पूरा मेरा फैमिली परेशान हो गया था मेरे को लेके कि यार कैसा बच्चा है ये, बीमारी रहता है एनी टाइम,
तो फिर वैसा मुझे भी फील होने लगा, मुझे अपने आप से एक नफरत सी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि मेरे दोस्त सब एक्टिविटी कर पाते थे, फिर मैंने देखा कि मैं एक्टिविटी भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे वो लोग बहुत स्पोर्ट्स डे वगैरह में वो लोग बहुत दौड़ते थे, या वो लोग होल डे भी खेलते थे, तो वो शाम को मीन्स वो लोग ठीक रहते थे। लेकिन मैं अगर थोड़ा भी खेलती थी दोस्तों, तो मैं 2-3 दिन तक लो रहती थी, मेरे में एनर्जी नहीं रहता था 2-3 दिन कि मैं कुछ करूं। तो मुझे खुद से ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। और लेकिन जब भी डॉक्टर को दिखाएं, वो लोग विटामिन्स लिख के भेज देते थे, टेस्ट वगैरह करते थे, फिर बोलता है ये नॉर्मल है, आप ले जाइए इसको, इसका विटामिन की कमी हो गया, दूध पिया करो, ये खाया करो, वो खाया करो, ये सब। पर वो सब खा के मुझे कुछ चेंज फील नहीं हुआ, मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं बदला, सब सेम था। तो फिर बुरा लगता है बहुत अपने दोस्तों का, जैसा ज़िंदगी मैं नहीं जी सकी इस वजह से। तो पता ही नहीं था डिप्रेशन किसको बोलते हैं, उस टाइम में कुछ नहीं पता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिम्टम्स बढ़ने लग गए, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, यहाँ तक कि मैं इसी सिम्टम्स के साथ जूझते जूझते कॉलेज पहुँच गई। अब बड़ी हो गई थोड़ी, तो कॉलेज में क्या हुआ, इतना चक्कर आता था कि मम्मी वेट करते रहती थी बाहर और मैं एग्ज़ाम लिखती थी। और वैसा भी दिन गया है मेरा। तो फिर सिम्टम्स और बढ़े, जैसे कि हाथ पाँव में दर्द, ये सब हाथों में झिनझिन होता रहता था, अजीब सा वाइब्रेशन जैसा सेंसेशन, नसों में दर्द होता था। माइग्रेन तो बचपन से ही है, क्लास 1 का बच्चा कितना बड़ा होता है बोलिए, अब 6 साल का होगा, तब से मुझे सीवियर माइग्रेन था। सप्ताह में 2 दिन तो हो गई माइग्रेन ऐसा, अभी भी है, अभी भी वो चीज़ मेरा ठीक नहीं हुआ। तो माइग्रेन का बहुत ज़्यादा इशू है, आँख में पावर है, आँख में चश्मे चढ़ गए क्लास 6 में ही। और मीन्स एक दो सिम्टम्स मैं हो तो बताऊँ, हज़ारों सिम्टम्स, हार्ट बीट का फास्ट होना, कोई भी बैड न्यूज़ सुन लूँ तो सांसें रुकना, पैनिक अटैक आना, ये सब होता था। ये सब मेरे लिए जैसे आम बात हो गया था। फिर वाइब्रेशन, होल बॉडी में मुझे ऐसा फील होता था कि वाइब्रेट हो रहा है अंदर से, बाहर से एकदम नहीं दिखेगा आपको कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंदर से होल बॉडी ऐसा लगता था कि जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, वैसे वाइब्रेशन एक फील होता था। और वो चीज़ बहुत ही टेरिबल है दोस्तों, वो चीज़ आप फील कर, मैं नहीं चाहती कोई भी फील करे, क्योंकि वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस है। और उसके बाद क्या हुआ, रिलैप्स होने लगा ये चीज़। फिर बहुत डॉक्टर को दिखाने के बाद एक डॉक्टर था जिसने बोला कि आपका, मेरे पापा को बोला कि शायद आपका बेटी को नर्व का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ, तो आप एक काम कीजिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो मेरे पापा लेके गए, बहुत नामी न्यूरोलॉजिस्ट थे वो, उनके पास लेके गए। उन्होंने मेरे सिम्टम्स सुनते ही बिना 1 मिनट भी लगाए बोल दिया कि हाँ तुमको नर्व का प्रॉब्लम है। और उन्होंने बीमारी का नाम तो नहीं बताया, सोचा होगा छोटी बच्ची है, सब बड़े बड़े टर्म्स यूज़ नहीं करता, लेकिन आज मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेशन लिख के दिए दवाई, और कुछ सप्लीमेंट विटामिन B12 के ढेर सारे लिख के दिए, जो नर्व के लिए होता है ना विटामिन, वो तो वो सब मैं घर लेके आ गई। वो विटामिन खा के तो मुझे, वो विटामिन्स खा के मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एंटी डिप्रेशन खाया, मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो वाकई मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ठीक होने लगे। पर मेरे को हैबिट हो गया उस दवाई का, एडिक्शन हो गया, अब मैं वो दवाई नहीं छोड़ सकती थी। वो दवाई छोड़ने से मेरे सारे सारे सिम्टम्स वापस आ जाते थे ऐसे करते करते। और वो दवाई ऐसा था, आप खा लोगे तो आप दिन में आप 14 घंटा 15 घंटा आपको सोना पड़ेगा, इतना नींद आता था उस दवाई से। तो मेरे पढ़ाई वगैरह हैम्पर होते थे, तो मैंने सोचा यार इतना सोने से तो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, उस दवाई को मैंने स्किप करना चालू किया, मैंने सोचा इसको छोड़ते हैं धीरे धीरे, इसके एडिक्शन से निकलते हैं। तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे ही मैंने दवाई को धीरे धीरे छोड़ा, मेरे सारे सिम्टम्स एक साथ वापस आए, और इस बार पहले से भी ज़्यादा और सिम्टम्स ऐड हो गए मेरे।
बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ऐड हो गए, जैसे लेफ़्ट साइड में चेस्ट में दर्द रहना, सांस लेने में दिक्कत, और भी ऐसे है जैसे चलने से बैलेंस फील नहीं होना, अब गिरी तब गिरी ऐसा लगता था मुझको, सोने के टाइम ऐसा लगता था कि मैं हवा में तैर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मेरे और ऐड हो गए उल्टा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम्हारा और कोई सलूशन नहीं है, तुमको ये दवाई कंटिन्यू करना ही है, ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करो तुम। बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे दवाई के, लेकिन मुझे कंटिन्यू करना पड़ा उसको। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, इस बार मैंने क्या किया, मैं डेली एक दवाई नहीं लेती थी, दो तीन दिन छोड़ छोड़ के एक एक दवाई लेती थी, ताकि मैं उसको दवाई को छोड़ना चाहती थी। उस तरह से चलता गया, हाथ पाँव में तो दर्द रहता ही था, माइग्रेन रहता ही था, भूख नहीं लगना, डाइजेशन नहीं होना ठीक से, गैस्ट्रिक हो जाता था, लूज़ मोशन हो जाता था बिना मतलब का, कुछ नहीं भी खाओ तो लूज़ मोशन, और एक बार लूज़ मोशन लगता था तो 6-6 महीना तक रहता था, जिसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था। तो लाइफ बहुत, बोल सकते हैं आपकी नरक नरक देखा है मैंने जीते जी। तो इस तरह का लाइफ हो जाता है एक इंसान का। तो आज मुझे पता है, जब मैं अभी, तो मैं 2024 में आपको ये बात बता रही हूँ, कितने साल पहले से मैं भुगत रही हूँ ये चीज़, और आज मुझे पता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मेरे को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, CFS है, यानी क्रोनिक फैटिक सिंड्रम, जिसे ME भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते हो। जैसे आप आज शादी में गए, आप होल नाइट शादी अटेंड किए, सुबह आप फिर सो के थोड़ा सा ऑफिस जा सकते हो। मेरे केस में ऐसा नहीं है, अगर मैंने होल नाइट शादी अटेंड कर ली तो मैं नेक्स्ट डे नहीं जा पाऊँगी काम पे, क्योंकि मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं करता, मुझे फिर एक दो दिन की पूरी रेस्ट चाहिए। तो इस तरह होने की वजह से मेरा काम पे भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था, मेरा ज़िंदगी पूरा नरक बन चुका था। मुझे लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा भी सिचुएशन आ गया था। अपने आप से नफ़रत करने लग गई थी मैं, और जीने का इच्छा नहीं था, ऐसा लगता था कुछ नहीं है और मेरे लिए अब इतना शारीरिक कष्ट मैं भोग चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, और उसके ऊपर अब के जब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नहीं समझते, बोलते कि नहीं आलसी है, काम से बचने के लिए ये सब कर रही है, तो वो बहुत बुरा लगता है। अगर आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में किसको ये सब प्रॉब्लम है, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आप उनसे ऐसे कभी मत बोलिए कि तुम काम से बचने के लिए ये सब बोल रही हो, नाटक कर रही हो। प्लीज़ उनकी प्रॉब्लम को समझिए, वो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो इंसान उससे निकलने में उसको हेल्प होगा, नहीं तो इस परेशानी में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और इस टाइम पूरा उनको सपोर्ट कीजिए, ऐसे कभी मत कहिए कि तुम काम चोर हो, आलसी हो, ये सब बहाना बना रहे हो, ये बिल्कुल मत कहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने फेस किया है वो चीज़। तो रिलैप्स होता है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया। यूट्यूब में इतने वीडियो दिखाते हैं, बोलते हैं ना मेरा ठीक हो गया, मेरा एक साल में ठीक हो गया, मेरा दो साल में ठीक हो गया। ठीक हो जाता है दोस्तों, मैं मानती हूँ ठीक हो जाता है, पर रिलैप्स करता है। जैसे मैंने पूरा अपने आप को ठीक कर लिया था, 2018 में मुझे बहुत ख़राब से रिलैप्स हुआ था, डिप्रेशन वगैरह, और तो मैं एक महीना बिस्तर में भी थी, उठ नहीं सकती थी, इस तरह का डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो गया था मुझे। और तब सोचा था शायद और ठीक नहीं होंगी मैं इस बार, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा उस टाइम, और दवाई पानी करते करते मैं थोड़ा ठीक हो गई। फिर मैं कम्प्लीटली ठीक हो गई तो मुझे भी लगा यार मैं अब ठीक हो गई। हाँ, मुझे खुद को विश्वास नहीं होता था कि 25 साल जो चीज़ मैंने भुगता है, मैंने, मुझे कैसे अचानक मैं ठीक हो गई। लेकिन नहीं, ये मेरा वहम था। जैसे ही मेरा गोल ब्लडर में स्टोन हो गया बीच में मुझे, और जैसे ही मैंने उसका ऑपरेशन कराया, वो रिलैप्स हो गया। सारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारे चक्कर वगैरह, सांस खुलना, पैनिक अटैक सब वापस आ गए। तो रिलैप्स करता है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको रिलैप्स हो गया है, क्योंकि इसमें अगर ये ऐसा बीमारी है जिसमें अगर आपको कोई भी दुर्घटना, खराब न्यूज़, घर में
कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, घर में कोई कुछ ख़राब हो गया, समझ लीजिए किसी के साथ घर में कोई एक्सपायर भी हो गया, तो जिस तरह के बातों के लिए आप रेडी नहीं हैं, किसी का नौकरी चला गया या आपका ही नौकरी चला गया, या आप बीमार पड़ गए, कोई अलग बीमारी आपको हो गई, या फिर आप सर्जरी कराना पड़ा, तो ये सब डिप्रेशन का जो सारा चंगुल से मैं निकली थी वो वापस रिलैप्स हो गया। और मैंने ऐसे दूसरे पेशेंट से भी बात की है तो उन्होंने भी कहा कि कोई भी एक हल्का सा भी इवेंट अगर होता है, बुरा नेगेटिव इवेंट होता है उसके लाइफ में, तो वो चीज़ रिलैप्स हो जाती है। तो तब जो 2021 का बात बता रही हूँ, तब से जो रिलैप्स हुआ है मुझे, अभी तक मुझे चल रहा है वो, 2-3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया एक्चुअली, लेकिन उससे निकलने में मुझे अभी फिर टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही ठीक होने लगती हूँ, कुछ ऐसा और एक चीज़ हो जाता है जिससे वो चीज़ फिर से रिलैप्स हो जाती है। तो इसमें मैंने अभी सीखा है थोड़ा मेडिटेशन करना, एंटी डिप्रेशन तो चल ही रहे हैं, उसके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते, लाइफ नॉर्मल हो ही नहीं सकता, और मेडिटेशन ने बहुत काम दिया मुझे। और उसके साथ साथ मैं अश्वगंधा वगैरह भी लेती हूँ, विटामिन B12 का भी सप्लीमेंट लेती हूँ, तो थोड़ा ठीक रहता है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें 100% क्योर हो सकता है, CFS का बात बोल रही हूँ मैं, जिसको सिर्फ नॉर्मल डिप्रेशन एंग्जाइटी है उनका ठीक हो जाता है, लेकिन जिसको CFS है, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते 100%। वो चीज़ रिलैप्स करती है, 1-2 साल ठीक रहेंगे, वापस से वो सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं, फिर 6 महीना ठीक रहेंगे, फिर से हो जाता है। तो उसी तरह जिद्दोजहद करके अभी तक मैं जी रही हूँ। मेरा ये बोलने का यही मैसेज है सबको कि किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और खुश रहने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा जल्दी ही ठीक हो सकते हैं आप, ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं। बाकी जीवन के जो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। जैसे 2013 में जनवरी में अचानक से मेरे पापा एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक, कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। ठीक थे, नॉर्मल थे, बात भी कर रहे थे, खाना वाना भी खाया, अचानक से चेस्ट में पेन हुआ और चले गए। उस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो उस टाइम जो झटका लगा ना हम सबको, विद इन 15 मिनट के अंदर पापा थे, पापा नहीं है, 15 मिनट के अंदर, तो उसके बाद फिर भयंकर से रिलैप्स हो गया मेरा वापस से, एंजाइटी, CFS, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, 6-7 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझको भी 1 साल के अंदर। तो उससे कोप करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ऐसा अगर कुछ इवेंट भी हो जाता है घर में आपका, तो वो चीज़ वापस से रिलैप्स हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अपनी दवाइयाँ लीजिए, और इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। ये एक दिन में ठीक होने वाला चीज़ नहीं है, आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। और जो चीज़ आपको खुशी दे वो करिए, जैसे मुझे गार्डनिंग करने से खुशी मिलती है तो मैं गार्डनिंग करती हूँ, काम पे भी जाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। मेडिटेशन करना मुझे बहुत पसंद है, वो करती हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वही करती हूँ, उस तरह से मैं थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ। और काम ख़त्म होने के बाद अपने लिए बहुत टाइम निकालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती हूँ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करती जो मेरा शरीर मना करता है, जैसे लॉन्ग पार्टीज़ अटेंड करना, रात रात भर शादी अटेंड करना, फिज़िकल एक्सरसाइज, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ तो 3-4 दिन मुझे बेड में रहना पड़ता है रिकवर करने के लिए, तो वो सब चीज़ मैंने करना पूरा बंद कर दिया है, और इस तरह से ज़िंदगी चल रहा है अभी। बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत मज़ेदार बातें भी बताऊँगी आपको। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह है ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, सपोर्ट मिले, उनको भी थोड़ा
अच्छा महसूस हो और मेरे बातों से उनको भी थोड़ा हेल्प हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।